देखिए, मेरी गुजारिश है कि इस्लाम में बहुत से फ़िरक़े हैं। अब उसका नाम है, एक सलफ़ी फ़िरका भी है। सऊदी अरब में सलफ़ी फ़िरके के मानने वाले लोग हैं। सलफ़ी उलमा से मेरे बराह रास्त ताल्लुकात हैं। ठीक है, हमारा उनका फ़िरके के अतबार से इख्तलाफ है फ़िक्र में और नज़रियात में, लेकिन हम इसलिए सऊदी अरब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर सलफ़ी फ़िरके के नज़रियात को माना जाता है। बखुदा ये बात नहीं है, वो सलफ़ी भी नहीं है, वो सलफ़ी भी नहीं है। वो तो वो गरो ऐसा सलफ़ी है। यहाँ पर जो यहाँ के रईस हैं उनका नाम है माँ असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी। अभी उनसे 3-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, बहुत मुझसे मोहब्बत से मिलते हैं। तो हम कतन न सलफियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, न बरेलवियों को, न देवबंदियों को, किसी को नहीं। हम तो एक उसूल की बात कर रहे हैं कि ये फ़िरके की लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम में बादशाही नहीं है। वो बादशाही चाहे शाह की शक्ल में हो, या मुलुकियत की शक्ल में हो, या शेखियत की शक्ल में हो, इस्लाम में बादशाही की गुंजाइश नहीं। हाफिज़ जालंधरी ने इस्लाम का शाहनामा लिखा था, शाहनामा इस्लाम। वो पहली कापी उन्होंने जोश को भेज दी कि आप इस पर तबसरा कीजिए। जो आदमी लेकर आया था उसने कहा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं इस पर तबसरा किए देता हूँ, 1 मिनट में तबसरा किए देता हूँ। और उन्होंने उसी शाहनामा इस्लाम की जिल्द के ऊपर ये लिख दी कि इस्लाम का शाहनामा लिखने वाले इस्लाम को शाही से ताल्लुक़ क्या है। वो ख़त्म हो गया किस्सा। एक शेर जो था वो पूरे शाहनामे को खा गया। तो इस्लाम में शाही की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि शाही में डिक्टेटरशिप होती है। मुल्कियत में डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम में अल्लाह का कानून है जिसको मुसलमान लीडर्स नाफिज करते हैं। उनको नुफूज शरीयत के अख्तियार है, पुख्ता शरीयत बनाने का अख्तियार नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह कतन शिया सुन्नी मसला नहीं है, हरगिज़ शिया सुन्नी मसला नहीं है। लेकिन चूंकि जो डेमोक्रेटिक वहाँ पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उनको डेमोक्रेटिक अंदाज में दबाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको शिया सुन्नी मसला बनाया जा रहा है। इसलिए मैं शियों और सुन्नियों दोनों से गुजारिश करूँगा कि जो इंसान को, अरे अल मोमिनो यंजरो बे नूर अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के नूर की मदद से मोमिन देखता है, मोमिन अल्लाह, तो उनको देखना चाहिए वाकईत क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि चूंकि इस्लाम शहनशाहियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बादशाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए जो हक़ पसंद शिया और सुन्नी उलमा में, मैं आपको बड़े बड़े सुन्नी उलमा का नाम बता सकता हूँ, बड़े बड़े सुन्नी उलमा का नाम बता सकता हूँ जो आले सऊद को आले यहूद लिख रहे हैं अपने अपने मैगजीन्स में। मैं अभी नाम ले वक्त पर बता भी दूंगा। हिंदुस्तान के चोटी के उलमा मैंने खुद पढ़ा है जो आले सऊद को आले यहूद कह रहे हैं। तो मुसलमान इस धोखे में न पड़े। अब देखिए, मैं अपने सुन्नी भाइयों को, चाहे वो सलफ़ी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे जो बंदू भी, हमारा इस्लाम तो दीन तो एक है, फ़िरके अलग अलग हैं। क्या कुरान मजीद ने यह नहीं कहा है कि या अय्युह लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु अल्यहूदा वन्नसारा औलिया बाज़ु मौलिया बाज़। ए मुसलमानों, देखो अपना सरपरस अपना दोस्त कभी न बनाना यहूदियों को और ईसाइयों को। है ये कुरान में आया मोहकमा के नहीं, कोई मुझे बताए। और सऊदी अरब किसकी ग़ुलामी के इकरार कर रहे हैं, किसको वली बनाए हैं, किनको औलिया बनाए हैं, एक इसराइल को, एक अमेरिका को। आप जानते हैं अमेरिका का कैरेक्टर क्या है, अमेरिका की बुनियाद और यहूदियत की बुनियाद पड़ी है इस्लाम दुश्मनी के ऊपर, और ये दोनों शैतान के चेले हैं। इंतहाई गहरी बातें करते हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते, इंतहाई गलत किस्म के इकदाम करते हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते। मकसद, मैं अपने मुसलमान भाइयों से, मेरे हाथ पर कुरान रख दिया, अल्लाह की कसम मेरे महबूद, मैं किसी लालच में या किसी डर में यह बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं मुसलमानों से सख्त करना चाहता हूँ, खुदा के लिए आप अपनी आँखें खोलिए, किसी के बहकाने में ना आइए। यहूदियों ने कब मुसलमानों का साथ दिया, अमरीका ने कब मुसलमानों का साथ दिया। इन दोनों का काम यह है कि हम मुसलमानों को मारें, अगर खुद नहीं मार सकते तो उनको आपस में लड़वाएं ताकि हम बदनाम ना हो, ये खुद आपस में एक दूसरे को कत्ल करें, ये भी बदनाम हो और वो भी बदनाम हो। आयतुल्ला नमर है कोई इराकी या ईरानी थोड़ी थे, ये सऊदी थे। सऊदी का जो मशरक़ी इलाका है, ईस्टर्न जोन है, वहाँ पर शियों की अक्सरियत है, वहीं ये पैदा हो गए। मैंने इनकी तकरीरें सुनी हैं, जो तकरीर इनके लिए जुर्म बनाने वाली दी गई उसमें भी कहाँ लिखा है हुकूमत तख्ता पलट दो। ये तो खाली अपने अकलियतों को जो हकूक मिलना चाहिए उसका मुतालबा कर रहे थे। इस्लाम में अकलियत गौर कीजिए, अरे भाई वहाँ पर लाखों की तादाद में शिया हैं। इस्लाम में अकलियत को देखिए, हज़रत सलमान फारसी एक आदमी थे, हज़रत सोहैब रोमी एक आदमी थे,
हजरते बिलाल हबशी कम्युनिटी से एक आदमी थे, मगर इनको भी इस्लाम ने इनका जायज़ हक दिया कि नहीं दिया? एक एक आदमी का लिहाज रखा गया है। हजरत बिलाल का मर्तबा क्या है आप मालूम है, सलमान का मर्तबा क्या है आप मालूम है, हजरत सुहैब रोमी का मर्तबा क्या है, ये सब सहाबा जलीलुल कद्र थे, अजल्ले सहाबा थे। एक एक आदमी था, अकलियत की कमोटी नहीं थी, एक एक आदमी था, मगर उनको भी इस्लामी हुकूमत से शिकायत नहीं। यही मुतालबा अगर शिया करें तो क्या खता कर रहे हैं?